अपने ऑफिस के काम और क्लाइंट्स के बीच में क्रिस्टिन इतनी बिजी है कि वो अपनी क्लासेस अटेंड ही नहीं कर पाती। पिछली कई क्लासेस उसने अटेंड नहीं की। इस बात पर उसकी टीचर उसे डांट रही है, उसे किसी और क्लास में डाल दिया जाएगा। जय क्रिस्टिन के राह में खड़ा है। जैसे ही क्रिस्टिन क्लास से बाहर निकली, वो उसे अपने प्रेम का इजहार करता है। वो कहता है कि क्रिस्टिन के लिए वो काफ़ी वरीड है। क्रिस्टिन कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, यूँ मेरा पीछा करना बंद करो। जल्दी से वो अपनी कार में बैठी और तेजी से चलाने लगी। कुछ दूर तो जैक ने उसका पीछा किया, पर बाद में उसने हार मान ली। अपनी कार में ड्राइव करते हुए क्रिस्टिन जैक को ढेरों गालियां देती है। क्रिस्टिन को अब इस जैक नामक मुसीबत से छुटकारा पाना है। जैक क्रिस्टिन को दुनिया के सामने बदनाम भी कर सकता है, उसका करियर बर्बाद कर सकता है। इसका उसने एक हल निकाला है। उसने जैक की गर्लफ्रेंड को फ़ोन लगाया और फिर उसके साथ मीटिंग फिक्स की। जैक की गर्लफ्रेंड से वो कहती है कि मैं जैक की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, जैक अब भी मुझे परेशान कर रहा है, तुम्हें उसे समझाना होगा वरना मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती हूँ। शाम को क्रिस्टिन को रियलाइज़ होता है कि कोई है जो उसे चेस कर रहा है। वो तेजी से घर की तरफ भागती है। रात को भी क्रिस्टिन को टेंशन में नींद नहीं आ रही है। वो वीडियो चैट में अजनबियों से बात करना शुरू करती है। एक शख्स उसे पसंद आया, उसके सामने वो हस्तमैथुन करती है, वो शख्स भी उसके सामने हस्तमैथुन करता है। इस तरह क्रिस्टिन ने ये रात बिताई है। क्रिस्टिन को उसी क्लाइंट ने एक लोकेशन पर बुलाया है। जब क्रिस्टिन यहाँ पहुंची है तब इसी रेस्टोरेंट में डेविड दिखा। डेविड को लगा क्रिस्टिन उसे फॉलो कर रही है। वो क्रिस्टिन से मिलकर कहता है कि मेरा पीछा करना बंद करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्रिस्टिन कहती है कि तुम मुझे धमकियां मत दो, मुझे धमकियां पसंद नहीं है। क्रिस्टिन यहाँ से चली जाती है। क्रिस्टिन डेविड को सबक सिखाना चाहती है। वो एक रिकॉर्डिंग की पेनड्राइव एरिन को दे रही है। दरअसल मामला कुछ यूं है, एरिन एक क्लाइंट XHP पर काम कर रही है, पर डेविड इस केस में अपनी पावर से इस केस को ट्रायल तक जाने से रोक रहा है। इस रिकॉर्डिंग में यही सब बातें हुई हैं। अगर ऐसा हो गया तो एरिन का करियर खत्म हो सकता है। एरिन को क्रिस्टिन के जरिए जब ये बात पता चली है तब वो शॉक्ड होती है। वो डेविड से मिलने उसके घर जाती है, पर यहाँ हमें पता चलता है कि एरिन ऑलरेडी डेविड से मिली हुई है। डेविड एरिन के जरिए क्रिस्टिन पर नज़र रखे हुए है। इधर क्रिस्टिन अपने घर में ही डरी हुई है। वो दरवाजे और खिड़कियाँ चेक करती है कि इसे लॉक किया गया है या नहीं। वो पूरे दिन के रिकॉर्डिंग चेक करती है कि कहीं कोई आया तो नहीं था। इधर डेविड, उसका साथी और एरिन डिस्कस कर रहे हैं कि क्रिस्टिन से कैसे निपटा जाए, कहीं क्रिस्टिन अपर मैनेजमेंट तक पहुंच न जाए। क्रिस्टिन ने नया बम फेंका है। जैसे ही डेविड अपने कैबिन में गया है, वहां उसे एक मेल मिली है क्रिस्टिन की। इसमें वीडियो है डेविड और क्रिस्टिन के संभोग की। इसमें डेविड क्रिस्टिन को वेश्या कहकर बुला रहा है, यानी इस वीडियो से साफ जाहिर हो रहा है कि डेविड ने क्रिस्टिन के साथ पैसे देकर संभोग किया था। इस वीडियो को देखकर डेविड के होश उड़ गए हैं। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड पर।